नमस्कार, मथा टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। राजधानी रांची की 5 प्रमुख गतिविधियां आज इस तरह रही। चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रिम्स के पेइंग वार्ड में कैदी के रूप में इलाजरत हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक सप्ताह में शनिवार को लालू प्रसाद से 3 लोगों को मुलाकात की अनुमति मिली है। इसी के तहत आज आरजेडी के झारखंड प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष संजय सिंह यादव और युवा मोर्चा के अध्यक्ष रंजन कुमार ने उनसे पेइंग वार्ड में जाकर मुलाकात की। बाद में NVT ऑनलाइन से बातचीत में संजय सिंह यादव ने बताया कि लालू प्रसाद अभी दांत दर्द से परेशान हैं और कुछ पल के लिए उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल कर वे सभी लौट आए। झारखंड अलग राज्य गठन के बाद प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली है। IG ऑपरेशन ने आज रांची में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि लोहरदगा और लातेहार जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के बुलबुल जंगल में चलाए जा रहे इस अभियान में अब तक 6 इनामी समेत 11 नक्सलियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि कई अत्याधुनिक हथियार और कारतूस समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। एक नक्सली मारा गया, भारी मात्रा में हथियार, एम्युनिशन और अन्य सामान बरामद हुए। नक्सलियों के कई सारे बंकर ध्वस्त किए गए। पूरे क्षेत्र में CRPF और जिला पुलिस के द्वारा इस तरह से घेराबंदी की गई थी कि नक्सली अपनी जान बचाकर वहां से भागने में विवश हुए। उसमें कुल 23 सोफिस्टिकेटेड हथियार शामिल है, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले में देख सकते हैं, जिसमें कि इंसास की एक LMG है, इंसास राइफल्स है, SLR 8 SLR राइफल्स है, उसके अलावा 303 राइफल्स, 315 राइफल्स, सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स इत्यादि कई सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। और इसमें से कई सारे वेपन्स ऐसे हैं जो पूर्व में उग्रवादियों के द्वारा पुलिस से, सुरक्षा बलों से लूटे गए थे। और इस अभियान में अभी तक एक नक्सली जो दिनेश नगेशिया था वो मारा गया। कुल 11 कुख्यात उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है अभियान के क्रम में, जिसमें एक जोनल कमांडर रैंक का उग्रवादी बलराम राव जो 10 लाख का इनामी था, 3 सब जोनल रैंक के उग्रवादी जिसमें से 2 ऐसे उग्रवादी है जिन पर सुदर्शन भुइयां और पालक गंजू जिन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम सरकार के द्वारा घोषित किया गया था गिरफ्तारी के लिए। उसके अलावा एक एरिया कमांडर और 6 हार्डकोर दस्ता के सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज राज्य के वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने जन सुनवाई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान राज्य के विभिन्न जिलों से आए 50 से अधिक लोगों ने अपनी समस्याएं वित्त मंत्री के समक्ष रखी। जन सुनवाई में खाद्य आपूर्ति और वित्त विभाग के अलावा जमीन, आवासीय, जाति, आधार, शिक्षा, व्यापार, रोजगार और आवास से संबंधित समस्याएं सुनी गई। सातवें JPSC PT से जुड़ा विवाद एक बार फिर झारखंड उच्च न्यायालय पहुंच गया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति SN प्रसाद की खंडपीठ में आज सातवीं JPSC PT को लेकर संशोधित परिणाम जारी करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि संशोधित परिणाम जारी करना उचित नहीं है। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने आज काके प्रखंड और अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भूमि हस्तांतरण, सीमांकन, अवैध जमाबंदी, म्यूटेशन, अतिक्रमण और भूदान लगान समेत विभिन्न मामलों के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। टाइम्स ऑनलाइन के लिए रांची से।